और देखिए अयोध्या से जो तस्वीरें आ रही हैं, गैंग रेप आरोपी के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन शुरू होने वाला है। और इसके मद्देनजर देखिए, मोहम्मद मोईद का जो घर है उसे अवैध निर्माण की कैटेगरी में है, उसके कागज को देखते हुए अब बुलडोजर पहुंच चुका है इस घर को तोड़ने के लिए। कुछ ही देर में बुलडोजर वाला एक्शन भी शुरू हो जाएगा। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में सरगर्मी बढ़ी हुई है। गैंग रेप का मामला और इसके आरोपी नेता के घर पर पहले तो बेकरी सील की गई, जो मानक जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से चीजें नहीं पाई गई, और अब अवैध कब्जे के मद्देनजर बुलडोजर वाला एक्शन और उसके लिए तैयारियों की ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त स्क्रीन पर है। तमाम फोर्स इस वक्त मौजूद, बुलडोजर पहुंच चुका है। अब से थोड़ी ही देर में आरोपी के घर जब बुलडोजर के पहुंचने के बाद कार्रवाई की तस्वीरें आएंगी, वो भी हम आप देखेंगे, जहां पूरी तैयारी हो चुकी है। सिक्योरिटी और जो पैरामीटर्स हैं वो सब कुछ सेट हैं, लेकिन पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो पेपर होनी चाहिए, जो जमीन थी वो अवैध, और इस पर बना कब्जा इस तरीके से हटाया जाएगा। ये बुलडोजर पहुंच चुका है। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलने वाली ये कार्रवाई, ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान के घर की हैं। नाबालिग से गैंग रेप का आरोपी है मोईद, और अब अवैध संपत्ति जो अपने नाम पर की हुई थी, देखिए कौन कौन सी संपत्ति है, ये चारों तस्वीर आपके सामने। बेकरी पर बुलडोजर, अवैध संपत्ति पर एक्शन, बेकरी को सील किया गया है, इसके लिए खाली किया गया, और जब जांच हुई, पैरामीटर्स चेक किए गए तो सारी चीजें ठीक और दुरुस्त नहीं थी। कुल मिलाकर के गुनाहगार समाजवादी पार्टी नेता, और अब एक्शन की तैयारी, ऑलमोस्ट एक्शन होता भी देख सकते हैं। बुलडोजर पहुंच चुका है, किसी भी वक्त ये पीला पंजा चलना शुरू होगा और तस्वीरें सामने होंगी। ये प्रॉपर्टी है जिसके बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं, कहां तक एक्शन आगे पहुंचा वीरेश? देखिए, मैं अभी आपको जानकारी दे दूं कि जो ACS होम हैं दीपक कुमार, उन्होंने ज़िला प्रशासन से बात की है इस पूरे मामले में, और DGP की भी बात हुई है ज़िला प्रशासन से, क्योंकि इन लोगों को रिपोर्ट देनी है मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में, कि अयोध्या के इस पूरे जो हाई प्रोफाइल मामले की कहाँ स्थिति पहुंची है, जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची है। तो इन दोनों लोगों ने, जो सूबे के कानून व्यवस्था के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो दीपक कुमार हैं और DGP प्रशांत कुमार, इन्होंने ज़िला प्रशासन से बात की है और बात करके एक्शन के बारे में जानकारी ली है, क्योंकि मुख्यमंत्री को इन दोनों के द्वारा अपनी रिपोर्ट, अपनी जानकारी शेयर करना होगा। मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले को की निगरानी कर रहे हैं, इस पूरे मामले के टच में हैं। खुद उन्होंने ज़िला प्रशासन से कल इस पूरे मामले में बात की थी, विस्तार से इस पूरे मामले को समझा था, इसलिए आज जो एक्शन है वो त्वरित गति से देखने को ज़मीन पर पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि लखनऊ में बैठे आला अधिकारी से लेकर और ज़िले में बैठे जो पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं, वो मुस्तैद होकर एक्शन की एक एक गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं, और उनके जो कारिंदे हैं जिनको एक्शन पर लगाया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में और कौन दोषी हो सकता है, कौन दोषी है, इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है, उन पर भी एक्शन होगा, ऐसा जो आला अधिकारी हैं, अभी जिला प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई कि क्या और भी कार्रवाइयां होंगी, तो उनका, जिला प्रशासन का साफ ये कहना था कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे में हर वो शख्स, हर वो किरदार गिरफ्त में होगा जो इस पूरे मामले में शामिल था, तो कोई बच कर नहीं जाएगा, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की निगाहें अयोध्या को बदनाम करने वाले, बदनुमा दाग लगाने वालों के किरदार पर है कि वो बचकर नहीं जाए। बिल्कुल वीरेश, हाई प्रोफाइल ये मामला है, और जो भी अपडेट आएगी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया वीरेश जानकारी के।